शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुझे तो बहुत विश्वास था ना अपने प्रेम की शक्ति पर। क्या हुआ, तू मेहंदी चुराने क्यों आ गई? कहीं तेरा विश्वास कमजोर तो नहीं पड़ गया ना? कहीं तुझे भी तो ऐसा नहीं लगने लगा कि अधिराज मेरा हो जाएगा? तू चाहे जितने भी जाल बिछा ले, चाहे जितने भी चाले चल ले, पर अधिराज तेरे कभी नहीं होगे सर्पिका। तेरा यही घमंड मुझे तोड़ना है सुनैना। तेरी आंखों के सामने मुझे मेरे अधिराज के साथ विवाह करना है। मुझे तेरे आंखों से विवशता और हार की आंसू बहते हुए देखना है सुनैना। और यही कारण है मैंने तुझे नहीं मारा। अब चाहे तू कितना भी प्रयास कर ले, तू कुछ नहीं कर पाएगी। अब तू जाकर दिखा महल से बाहर, सुलझा कर दिखा पहली। सुन सुनैना, अब ना कभी तू जीत पाएगी और ना कभी अधिराज तेरा हो पाएगा। तेरे हाथों पे अधिराज के नाम की मेहंदी कभी नहीं रचेगी, कभी नहीं। मैं तो भूल ही गई थी, मेरे होने वाले पति मेरी प्रतीक्षा कर रहे। अब मुझे उनके पास जाना होगा, प्रेम भरी बातें करनी होंगी। और क्यों नहीं, हमारे मेहंदी की तैयारियां चल रही है, ऐसे में प्रेम की बारिश तो होनी चाहिए ना। चलती हूँ। इस सर्पिका को ये नहीं पता है कि मुझे दूसरी पहेली तक पहुंचने के लिए महल से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस मुझे मेहंदी को प्राप्त करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हमारे विवाह की तैयारियां भव्य रूप से होनी चाहिए और आप इस महल की मुख्य दासी, बाकी का सारा कार्य आप संभालेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे विवाह में पूरी प्रजा सम्मिलित हो और हमारी खुशियों में हिस्सा बने। आइए आप विराजिए। अच्छा हुआ आप आ गए। अभी हम अपने विवाह की तैयारियों के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहती हैं तो दे सकती। नहीं, हमें कोई सुझाव नहीं देना। हम बहुत प्रसन्न हैं तैयारी देखकर। प्रसन्न तो हम भी हैं कि हमारा विवाह तुम जैसी समझदार और सुलझी हुई स्त्री से होने जा रहा है। आज हम यह घोषणा करते हैं कि हम मोहिनी से बहुत प्रेम करते हैं। अधिराज, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम जानते हैं जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उतना प्रेम किसी पत्नी या प्रेमिका के भाग्य में हो नहीं सकता। क्षमा कीजिएगा राजा साहब, पर मैं रानी साहब की बात से असहमत हूँ। जी, जब बात प्रेम की हो रही है तो मैं राजा साहब को एक चुनौती देना चाहती हूँ, जिससे साबित होगा कौन किससे कितना प्रेम करता है। अब ये कौन सी चाल चलने वाली है? कैसी चुनौती? क्षमा कीजिएगा राजा साहब, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्रेम मेरे पति मुझसे करते हैं उतना प्रेम आप अपनी होने वाली पत्नी से नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा साहब के सामने ऐसी बात करने की? राजा साहब, इसे दंडित कीजिए। मैं जानती हूँ तू अधिराज को भड़काने का पूरा प्रयास कर रही है सर्पिका, पर इस बार मैं तुझे सफल होने नहीं दूंगी। राजा साहब, मैं तो बस आपसे ये कह रही थी कि। राजा साहब, ये कितनी अपमानजनक बात है। ये औरत जिसका पति उसको छोड़कर किसी दूसरे औरत के पास जा चुका है,
ये औरत हमारे प्रेम को चुनौती दे रही है। सुने ना, ना ही तुमने हमारी बात काटी है बल्कि हमारे प्रेम पर उंगली भी उठाई है। नहीं राजा साहब, ना ही मैंने आपकी बात काटी है और ना ही आपके प्रेम पर उंगली उठाई है। मैंने तो केवल ये कहा है कि जितना प्रेम मेरे पति मुझसे करते हैं उतना प्रेम शायद ही कोई पति या प्रेमी अपनी पत्नी या प्रेमिका से करते होंगे। और ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं इसे साबित कर सकती हूँ राजा साहब। कहते हैं हाथों पे मेहंदी का रंग प्रेम का प्रतीक होता है, यानी जितना गहरा रंग उतना गहरा प्रेम। अगर मेरे हाथों की मेहंदी का रंग आपकी होने वाली रानी से अधिक हुआ तो इसे ये साबित हो जाएगा कि मेरे पति मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। राजा साहब, ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं, ये बेकार की बातें नहीं है बल्कि ये तो प्रेम और विश्वास की बात है। फिर अगर मैं साबित ना कर पाऊं तो आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। एक राजा का कर्तव्य होता है हंसते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना। हमें तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार है। धन्यवाद राजा साहब, पर एक और विनती है आपसे। अब कैसा आग्रह? क्योंकि मेरे पास मेहंदी नहीं है, मैं चाहती हूँ आप अपनी होने वाली रानी से कहिए कि वो दिव्य परी लोक की मेहंदी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दे। दिखने में भोली है पर बहुत चालाक है ये सुनैना। इस मेहंदी के पीछे क्या रहस्य है? राजा साहब, ये चुनौती की क्या आवश्यकता है? क्षत्रिय के मुख से निकली हुई बात उसके लिए प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वही होगा जो हमने कहा। हम ये घोषणा करते हैं कि होने वाली रानी साहिब और दासी सुनैना अपने हाथों पर मेहंदी लगाएगी। और जिसकी मेहंदी का रंग अधिक गहरा होगा उससे साबित होगा कि उसका पति अपनी पत्नी या अपनी होने वाली पत्नी से अधिक प्रेम करता है। यदि दासी सुनैना अपनी चुनौती में पराजित होती है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। मैं तैयार हूँ राजा साहब। और मोहिनी, आप परीलोक से लाई हुई मेहंदी को दासी सुनैना के साथ साझा करेंगे। जी राजा साहब। मैं अपना अधिकार मांगने आई हूँ, अपने हिस्से की मेहंदी मुझे चाहिए। तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा ना सर्पिका, क्योंकि तू ये मेहंदी मुझे देना नहीं चाहती थी, पर राजा साहब ने इस मेहंदी को साझा करने का आदेश दे दिया। तुझे आज मेहंदी नहीं, मौत मिलेगी। मौत तो लेना। तुझे क्या लगा अधिराज ने मुझे कह दिया तो इतनी आसानी से मैं तुझे मेहंदी दे दूंगी? मूर्ख है तू सुनैना, मूर्ख। मैं सर्पिका हूँ और सर्पिका इतनी आज्ञाकारी नहीं। सर्पिका केवल खुद की सुनती है। और हाँ, मैंने तुझे रुला रुला के तड़पा तड़पा के मारने की योजना बनाई थी, पर अब लगता है कि आज ही तुझे मारना पड़ेगा। तू होती कौन है मुझे मारने वाली? जीवन देना या लेना ईश्वर के हाथ में होता है। फिर एक बात कहूँ सर्पिका, तुझे ऐसे बौखलाते थे मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कल तक तू मुझे तड़पते देखना चाहती थी पर आज से तू खुद तड़प रही है। कहते हैं ना, जैसे को तैसे। मरने के लिए तैयार हो जा सुनैना। Thank you.
हमारे रहते दुरानी साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती सर्पिका। तो आज इसके साथ साथ मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी चंद्रलेखा। तुझे क्या लगता है हमें मारकर तू बच जाएगी? नहीं सर्पिका, कभी नहीं। राजा साहब जानते हैं कि रानी साहब तुम्हारे साथ है, इसलिए अगर इन्हें कुछ हुआ तुम्हें राजा साहब को उत्तर देना होगा।